हेलो एवरीबॉडी, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक नए रेसिपी के साथ। मैं चिंग चांग, नमस्ते, सलाम अलैकुम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के नए रेसिपी। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, आपको पता चल गया है ये क्या है। ये पनीर है। एक्चुअली इसको पनीर नहीं कहा जाता, ये छाना है, क्योंकि मैंने ये गाय का दूध बॉयल करके वो छाना का जो जल होता है, छाना का जल से, ये देखिए ये है छाना का जल। इस जल से मैंने ये छाना प्रस्तुत किया, ये छाना मैंने बनाया, इसलिए इसको पनीर नहीं कहा जाता। ये एक्चुअली पनीर नहीं, ठीक नहीं है, ये छाना का बड़ा है। और देखिए इसका साइज़ थोड़ा सा अलग सा है। और मैं आज आपको क्या दिखाऊंगा रेसिपी में, जो छाना का मसाला है, पनीर मसाला, ये हम आपको करके दिखाएंगे। और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मसाला और थोड़ा सा तेल मैं ज़्यादा डालूंगा, और एकदम निरामिष है, एकदम कोई नो ऑनियन, नो गार्लिक आई एडेड टू मेक दिस रेसिपी। व्हाट डू आई नीड, तो आपको रॉ मटेरियल पनीर, क्योंकि ये पनीर मसाला है, ये बॉयल आलू ऐसे करके आपको काटना है। देखिए ये इस ये जो साइज़ है, देखिए इस सेम साइज़ को आपको ऐसे काटना है। और आपको ग्रीन चिली चाहिए, जिंजर चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको ये मसाला बनाने के लिए, आपको ये टोमेटो आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, आपको ये 6 सेकंड ग्राइंड करना पड़ेगा। और कुकिंग करने समय जो जो मसाला चाहिए, वो कुकिंग करने समय मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी चलिए शुरू करते हैं इसका पकाना। देखिए अभी ये कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, ये तेल गर्म हो रहा है, ये स्टील का कढ़ाई है, स्टील कढ़ाई का कढ़ाई बहुत अच्छा है शरीर के लिए, नॉन स्टिक से बहुत ज़्यादा अच्छा ही है स्टील कढ़ाई, इसमें कोई पॉइजन नहीं होता। और मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रेस्टीज इंडक्शन हीट, मैंने देकर रखा है 900 वाट। अभी इसमें क्या करेंगे, ये जो ग्रीन चिली है ये हम डाल देंगे, और इसमें जो जीरा है, कुमिन, ये हम डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा जो हींग है, ये देखिए हींग थोड़ा सा, ये देखिए एक बार इसके हींग है, ऐसा पोतेदार, ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा फ्राई करने दीजिए। और जो मसाला मैं यूज़ करूँगा, देखिए ये काला इलायची है, ये दालचीनी है, और ये 2 लौंग है, ये कुमिन सीड का फ्लोर है, और ये धनिया सीड का फ्लोर है, मैंने मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स किया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो आलू बॉयल है ये हम डाल देंगे। जितना भी आलू है सब डाल देंगे, आलू का साइज और जो पनीर है, पनीर का साइज, साइज को आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, सेम साइज होना चाहिए, सेम साइज नहीं, थोड़ा सा देखने में अच्छा है ऐसे साइज करना पड़ेगा। देखिए आलू का साइज और जो मेरे पनीर का साइज है, देखिए एकदम इसका ढंग सही से है। और जो कुकिंग है ये एक आर्ट है, आपको जितना आर्ट आता है, ये एक कला है, आर्ट है, आपको जितना आर्ट आता है, जितना आप इस काम में निपुण है, इसका कुकिंग सबसे अच्छा
होगा और टेस्टी रहेगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, देखिए तो ये आलू थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, देखिए थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो अभी हम क्या मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करेंगे। ये रॉक सॉल्ट है, देखिए ये रॉक सॉल्ट है, ये रॉक सॉल्ट 55 रुपीज़ पर किलोग्राम है और ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। और मार्केट में जो नॉर्मल सॉल्ट आता है वो शरीर के लिए एकदम ठीक नहीं है, वो 10 रुपये किलो है और ये 55 रुपीज़ से 75 रुपीज़ पर किलोग्राम है। ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है। पत्थर तोड़कर मैंने ये बनाया और आपको क्या अभी मैं क्या ऐड करूँगा, ये टर्मरिक पाउडर हल्दी ऐड करूँगा। अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करके आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टमाटो है, टमाटो को चटनी इसमें डाल देना पड़ेगा और इस आपको मिक्सर ग्राइंडर में 6 सेकेंड घड़ी देखकर आपको ये करना पड़ेगा। ज़्यादा मिक्स अगर हो जाए तो ये अच्छा नहीं होगा, ये एकदम पेस्ट हो जाएगा। और इस हम क्या करेंगे, ये जो ड्राई मटर शुटी है, पी है, हरा मटर, ये हम डाल देंगे। अभी इसको हुक से कसना है, आपको मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है शरीर के लिए, व्हाइट ऑयल एकदम शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अभी इसको बहुत अच्छी तरह से कसना है और अभी हम क्या करेंगे, ये जो अदरक है पत्थर में मैंने इसको पीसा, ये अदरक, और जो मैंने आपको दालचीनी, लौंग और जो काला इलायची मैंने किया, ये पत्थर में मैंने पीसा। आपके पास पैनासोनिक का मिक्सर ग्राइंडर है तो ये मिक्सर ग्राइंडर में होगा, लेकिन उसके लिए पैनासोनिक चाहिए। और जो कुमिन पाउडर है और धनिया का पाउडर है वो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में किया, ये भी हम डाल देते हैं। आप अगर इसको पत्थर में पीसते हैं इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मिक्सर में ग्राइंड होता है, इसको तोड़ता है, ग्राइंडिंग मतलब इसको तोड़ना है, और पत्थर में इसको पीसते हैं, पीसना मतलब इसका जो अंदर का जो सीख का जो तेल है तो वो बाहर निकल कर आता है, इसलिए इसका तेल बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। अभी इसको बहुत ही अच्छी तरह कसना है इसको, बस आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ही अच्छी तरह कस के फ्राई करना है आपको बस। देखिए ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, 5-6 मिनट मैंने टाइम लिया, और वाट मैं यूज़ कर रहा हूँ 900 वाट। और कभी कभी आपको इसमें वार्म वाटर डालना पड़ेगा। देखिए अगर ये फ्राई हो जाए तो अभी हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद, कसने के बाद ये हम गर्म पानी डाल देंगे। एंड ऑलवेज यूज द वार्म वाटर इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। गर्म पानी डालने से क्या होता है, वो जो खाना का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, और ठंडा पानी से इतना अच्छा नहीं होता, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये सब थोड़ा थोड़ा ये सब बनाने का थोड़ा थोड़ा सीक्रेट टिप्स है। देखिए आप थोड़ा सा इसको पानी दीजिए, और देखिए थोड़ा सा पानी दीजिए,
अभी इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे और हीट को हम बढ़ाएंगे 1100 में। और जब आपको इसको फ्राई करना है, देखिए ये इसको जो आप फ्राई करना है, तो फ्राई करते समय मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, और क्योंकि मस्टर्ड ऑयल शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है रदर दैन सोयाबीन ऑयल और वाइट ऑयल और रिफाइंड ऑयल। तो इसके फ्राई करने के समय इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। मैंने लास्ट नाइट इसको बनाया, लास्ट नाइट इसको फ्राई करके रखा, और आज टुडे मॉर्निंग, अभी मॉर्निंग चल रहा है, 8:10 बाकी है, अभी मैं ये करके मैं ऑफिस में जाऊंगा। तो अभी इसको थोड़ा सा बॉईल करने दे, थोड़ा सा बॉईल करने दे, देखिए अभी ये जो सूप है ये बॉईल हो रहा है। अभी हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ये जो शुगर है, शुगर थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे। देखिए ये थोड़ा सा शुगर का मात्रा ऐसा होना चाहिए, देखिए ये जो शुगर है, इसमें जो टोमेटो मैंने यूज़ किया वो तो खारा है, उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने शुगर ऐड करना अवश्य ज़रूरत है। और जिस लोगों का डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, डोंट यूज़ द शुगर। ये जो सूप है ये थोड़ा सा फूट रहा है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये डाल देंगे। ऐसा ऐसा करके सब डाल देंगे, अभी इसको 6 बॉयल करना है, तो इसे मिक्स कर दे। इसको अभी विदाउट लीड, ये जो ऊपर का ढक्कन है वो छोड़ के ये ओपन कढ़ाई में इसको 5-6 बॉयल करना है, छोड़ दीजिए फॉर बॉयलिंग। देखिए ये 6 कंप्लीट हो चुका है, और देखिए ये जो इसका जो सूप है, ये सूप थोड़ा सा घना हो चुका है, और ये जब बॉयल होगा आपको कैसे पता चलेगा ये थोड़ा सा घना हो गया, देखिए इसका बाहर निकल कर आएगा, ये फूट का ये बाहर निकल कर आएगा, तभी आपको ये पता चलेगा ये कंप्लीट हो गया है। और आप चाहे तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, देखिए मैं घी ऐड कर रहा हूँ, देखिए ये घी है, थोड़ा सा 1 घी आप इसमें ऐड कर दे तो इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा, इसको जस्ट टेस्ट को प्रमोट करता है ये घी। और देखिए ये घी कंप्लीट हो गया है, देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, अभी इसको हम बंद कर देंगे, देखिए हम इसको बंद कर देंगे। ये हो गया मसालादार जो पनीर है, पनीर मसाला, देखिए ये पनीर मसाला है, ये ज़बरदस्त है, रोटी के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, डोसा के साथ नहीं, डोसा के साथ ये एडजस्ट नहीं होगा। और एकदम निरामिष है, जो लोग डिवोटीज है, डिवोटीज को भी ये बहुत पसंद है। तो ये था इस वीडियो में, मैंने आपको ये चाना मसाला करके दिखाया, तो मैं आशा रखूँगा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आप एक बार ट्राई तो कीजिए, ट्राई करके कमेंट अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू रेसिपी, बाय बाय।